अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडळे तेरापंथ जैन समाजनो एक मोटू महिला संगठन छे, जेना हेठळ लगभग 60,000 महिला सभ्यो भारत अने नेपाळमां 500थी वधु शाखाओ द्वारा सक्रियपणे कार्य करी रही छे। महिला सशक्तिकरण, आध्यात्मिक अने सांस्कृतिक उद्देश्यो साथे संस्था छेल्ला 5 दायकाथी सतत गतिशील छे। तेरापंथ धर्मना वर्तमान आचार्य आचार्य श्री महाश्रमणजीना मार्गदर्शन हेठळ आ संस्था आध्यात्मिक, सामाजिक अने शैक्षणिक क्षेत्रे महिलाओना उत्थान माटे कार्य करी रही छे। संस्था पासे 4 मुख्य योजनाओ छे, आचार्य तुलसी शिक्षण प्रोजेक्ट, कन्या विकास योजना, स्वस्थ परिवार स्वस्थ समाज अने समृद्ध राष्ट्र योजना। संस्था समयांतरे वर्तमान बाबतो, जाहिर हितना वलणो अने अन्य विषयों पर विविध वर्कशॉपनुं पण आयोजन करे छे। संस्थानुं 49मुं राष्ट्रीय अधिवेशन संरक्षणम 20-21-22 सप्टेम्बर 2024 रोज आचार्य श्री महाक्षरमणजीना पवित्र सानिध्यमां अने साध्वी प्रमुख श्री विश्रुत विभाजीना मार्गदर्शन हेठळ संयम विहार सूरत खाते योजाई रह्यो छे। गुजरातना महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रतजीए 20 सप्टेम्बर 2024 रोज आ राष्ट्रीय सम्मेलनमां मुख्य अतिथि तरीके हाजरी आपवा अने सम्मेलनना प्रतिनिधिओने संबोधवानी मंजूरी आपी छे। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की राष्ट्रीय अध्यक्ष सरिता डागा, कल से हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन प्रारंभ हो रहा है। संरक्षण इस राष्ट्रीय अधिवेशन की थीम है। पूरे भारतवर्ष में 1,000 लेडीज आ रही है और हमारे पूरे भारतवर्ष में 500 से ज़्यादा ब्रांचेज है और 60,000 लेडीज उसमें कार्य करती है। कल गुरुदेव की सन्निधि और साधी प्रमुखा श्री जी, उसके साथ साथ गुजरात के राज्यपाल महामहिम देवव्रत जी भी पधारे हैं। 3:30 बजे उनके साथ हमारे कार्यक्रम का आगाज होगा और उसमें हमारी जितनी भी बहनें आएगी उनको संस्कार, महिला सशक्तिकरण और कैसे बैलेंस लाइफ में बैलेंस रखें, कैसे परिवार में बैलेंस रखें, कैसे कैरियर और परिवार के साथ बैलेंस करके चलें, इस पर मेन प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसके साथ साथ खुद के अवेयरनेस के लिए आध्यात्मिक फील्ड और मौलिक सिद्धांतों, धर्म के साथ कैसे जुड़ें, इसका भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी के साथ ओमरा अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के ज्वाइंट सेक्रेटरी निधि सिखानी। कल हमारा 49वां राष्ट्रीय अधिवेशन संरक्षणम, जिसका आयोजन किया गया है, लगभग ऑल ओवर इंडिया से 1,000 लेडीज इसमें आ रहे हैं। 300 अलग अलग पूरे देश और विदेश से 300 शाखा मंडलों की बहनें हमारे इस अधिवेशन में संभागी बनने आ रही हैं। इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य, जहां लेडीज हमारी जो कार्यरत करती है पूरे साल, वो अपने प्रोजेक्ट्स करती है, अपने शाखा मंडल में वो काम करती है, उस प्रोजेक्ट्स के बारे में हम उन्हें और विस्तार जानकारी देते हैं और इस अधिवेशन में हम उन बहनों से रूबरू होते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाने और उस किस तरह से वो प्रोजेक्ट्स को और हाई लेवल पर हम ले जा सके, उन प्रोजेक्ट्स पर हम डिस्कशंस करते हैं और वो प्रोजेक्ट्स जिस लेवल पर वो काम करती है उन प्रोजेक्ट्स का मूल्यांकन भी हम उस समय उनसे करते हैं। विभिन्न तरह के और भी हम उन्हें मोटिवेटरों के थ्रू उन्हें मोटिवेट करते हैं। हमारी साध्वी प्रमुखा श्री जी उन्हें मोटिवेशन देती हैं, उनके साथ साथ और दूसरी साध्वी जी हम भी होती हैं, वो भी अलग अलग टॉपिक्स रहती हैं, उन पर उन्हें मोटिवेट करते हैं।